Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी नाज़रीन, एक बहुत ही आपकी बहुत सी शिकायत, बहुत से फ़ोन जो मुझे फ़ोन पे अक्सर लोग आते हैं, जिसमें एक बहुत कॉमन मर्ज़ जो देखने में आ रहा है एज़ोस्पर्मिया का मर्दों में, स्पेशली बे औलादी की वजह वो यही समझ रहे हैं कि शायद एज़ोस्पर्मिया है। अगर दिन में 20 या 30 लोग कॉल कर रहे हैं तो उसमें एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है कि एज़ोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट जो है वो बिल्कुल नील आ रहा है, मोटाइल क्वालिटी बिल्कुल है ही नहीं। और अगर हमने एक हफ्ते 10 दिन का गैप किया है, उसमें मैरिड लोग अक्सर जो हैं, किसी की 10 साल हो गए हैं शादी को, किसी को 12 साल हो गए हैं, किसी को 3 साल हुए हैं, किसी को 6 माह हुए हैं, किसी को 8 साल हुए हैं, तो सब लोगों में जो देखने में एक ही कॉमन मर्ज़ मुझे नज़र आ रहा है, या लोग जो शिकायत कर रहे हैं कि जी इसका कोई हल जो है ना हमें लाइव और इसी तरह हमें फ़ोन पे ही बता दें ताकि हमारा मसला हल हो जाए। मोहतरम, गुजारिश ये है कि ये मर्ज़ जितना पचीदा और जितना आम हो चुका है, इसकी कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, कुछ परहेज़ भी है। पहले तो मैं उससे आपको आगाह करता हूँ, जो लोग चावल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और चिकन स्पेशली, ये जो ब्रॉयलर जो मार्केट में आ रहा है, बहुत ज़्यादा चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में या उन्होंने किया है, एक तो उसकी मेन वजह यही है। और इसी तरह स्टीरॉइड, बहुत सी ऐसी मेडिसिन, बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक जो बिला वजह आप लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ये जो मसला जो आप बता रहे हैं, जो स्पर्मिया किल्लत जरसूमा इसको कह सकते हैं, बल्कि किल्लत तो नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नील काउंट आ रहा है, किल्लत से भी अगली बात है कि बिल्कुल आ ही नहीं रहा। किसी का 5-10% हो तो चलो फिर भी कहने की बात है, लेकिन कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत सी चीज़ें मार्केट में भी अवेलेबल हैं, आप उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह उससे अफाका भी होगा, लेकिन मुनासिब ये होगा कि आप अपनी तमाम रिपोर्ट्स या तो हमारे नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें और उसके मुताबिक, आपके मिजाज के मुताबिक, आपकी एज के मुताबिक और आपका कितना अरसा हो गया है आपकी मर्ज़ को, उसके मुताबिक प्रॉपर आपको प्रिस्क्राइब करके आपका नुस्खा जो है वो बना के दिया जाएगा। हर बंदे पे एक ही जो दवा है वो काम नहीं कर सकती। तो अगर किसी ने कॉमन ट्राई करनी है तो मार्केट में बहुत सी मेडिसिन है, जिस तरह लबूब कबीर के नाम पर मेडिसिन हर्बल स्टोर पर आप जाएँगे तो वो मिल जाती है, आम मिल जाती है, कहीं पे लबूब कबीर मिलेगी मुख्तलिफ कंपनीज़ की, कहीं पे लबूब ख़ास मिलेगा आपको, इसी तरह कहीं पे मुगलज़ माजून मुगलज़ के नाम पे अद्वियात होंगी उनके ऊपर, जो जब आप पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ लिखा हुआ होगा कि ये करती हैं, किल्लत मनी को दूर करती हैं, ये आपके जो मर्दाना कुव्वत है उसको बहाल करती हैं, आपके अंदर कुव्वत और जोश और जो जज्बा है वो पैदा करती हैं, आप जवान नज़र आते हैं। बहुत सारे कॉमन नाम हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। इसी तरह कुछ लोगों में ये भी आया है कि वो कहते हैं कि जी हमारे अंदर जो ख्वाहिश है वही नहीं पैदा हो रही, ठीक है ना, जिसको लिबिडो कहते हैं, तो उसके लिए भी एक तो बेहतरीन चीज़ मैं बताऊंगा कि ये जो मार्केट में केला आ रहा है ना, इसको अगर जो प्रॉपर नेचुरल तरीके से पका हुआ केला, जिसको आपने अक्सर देखा भी होगा कि वो जो उसका शुरू होता है, जहाँ से जो हिस्सा उसका पौधे के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो ब्लैक ब्लैक हो थोड़ा सा, तो वो समझ लें कि ऑर्गेनिक है और बिल्कुल सही है। और इसी तरह जो दूसरा केला है, जो जिसकी वो जो पौधे के साथ लगा हुआ जो हिस्सा होता है, तो वो अगर ग्रीन है तो इट मींस के वो मुख्तलफ मसनूई तरीके जो है ना, उन उसके ज़रिए जो है ना मुख्तलफ मसाला जात लगा के उसको पकाया गया है, वो तो इतना शायद मौसर साबित नहीं होगा आपके लिए। लेकिन अगर वाकई ही वो जो चित्री वाला केला होता है, प्रॉपर जो दरख्त के साथ जुड़ा हुआ होता है, पौधे के साथ ही वो पकता है, अगर उसका आप इस्तेमाल करें तो वो भी आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। इसके अलावा दूध, बहुत सारे लोग, जिन लोगों की भी कॉल्स आ रही हैं, अगर मैं उनसे ये बात पूछता हूँ कि जी आपकी ज़िंदगी में या आपके रोज़मर्रा का जो शेड्यूल है उसमें दूध आप पीते हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी चाय हम पीते हैं नाश्ते में, और इसके अलावा शाम को भी चाय और दोपहर को भी चाय हमारी चल रही है, लेकिन वो नहीं आ रही बातें जिसमें
प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के हवाले से जो उनको जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, जो गज़ाई इलाज है। एक तो मेहरबानी करके ऐसे लोग जिनमें एज़ोस्पर्मिया, किल्लत मनी और इस तरह के मामलात हैं, वो कोशिश करें कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी खुराक में, रोज़मर्रा की ग़िज़ा में दूध को लाजमी शामिल करें, दूध को लाजमी शामिल करें। और इसके साथ साथ बनाना का, केला का मैंने बोला है, वो ताज़ा सब्ज़ियाँ, ताज़ा फल जो है मैक्सिमम उनकी कोशिश करें वो खाएँ। अगर मीट खाना भी है तो ऑर्गेनिक मीट लें। और खुदारा ये जो चिकन आप खा रहे हैं ये एक जहर है आपके लिए, ये आपकी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, इससे परहेज़ करें। और अगर जनरल आपने कोई मार्केट से चीज़ लेनी है, आप ख़ुद नहीं बना सकते, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर 10 से 12 या 15 चीज़ें मैं आपको कहूँगा कि ये आप ले कर मार्केट में बनाएँ तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि मुख्तलफ़ कंपनियों की मुख्तलफ मार्केट में चीज़ें हैं जहाँ से आप जो है ना माजून मुगलज है, माजून मुगलज जवाहरदार है, माजून मुगलज खास है, वो मार्केट में मुख्तलफ नामों से अवेलेबल है, वो आप ट्राई कर सकते हैं हफ्ता 10 दिन, उसके बाद भी आप अपना रिज़ल्ट देखें, इंशाल्लाह आपको बेहतर साबित होगा। अगर खुदा न खासा फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, आप हमारे टेलीफोन नंबर पर, व्हाट्सअप पर अपनी रिपोर्ट्स भेजें, इस्लामाबाद में हमारा क्लिनिक है एफ्टन मरकज़ में, वहाँ पर विज़िट करें, आपकी नब्ज़ के मुताबिक, आपके मिजाज के मुताबिक, आपकी मर्ज़ के दुरानिया के मुताबिक आपको दवा तजवीज़ की जाएगी और इंशाल्लाह ताला उससे आपको मुस्तकिल फ़ायदा होगा और आप दुआओं में याद भी रखेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।